नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। पुलिस ने जांच के बाद 10 आरोपियों के खिलाफ स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यौन शोषण कांड मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। हंगामे के बीच विधानमंडल का मानसून सत्र संपन्न, दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। और प्रदेश में मानसून सक्रिय हुआ, पटना सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश। राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह कांड की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कुछ तत्वों द्वारा इस मामले को लेकर भ्रम का वातावरण बनाया जा रहा है। श्री कुमार ने कहा कि इस प्रकार के भ्रम के वातावरण को दूर करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक को मुजफ्फरपुर कांड का सारा मामला सीबीआई को सौंपने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर में एक गैर सरकारी संस्था द्वारा संचालित बालिका गृह में 40 से अधिक किशोरियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित बालिकाओं ने आरोप लगाया है कि उनके साथ रहने वाली 6 लड़कियां भी बीते कई वर्षों से गायब हैं। इस मामले में संचालक ब्रजेश ठाकुर सहित 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इधर मुजफ्फरपुर पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ विशेष पॉक्सो अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस ने संबंधित अपराध की अन्य धाराओं के साथ किशोर अपराध कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 भी जोड़ा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुद्दे को लेकर विधानमंडल के दोनों सदनों में आज जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में लगातार दूसरे दिन कार्यवाही बाधित रही। राजद, कांग्रेस और भाकपा माले के सदस्यों ने आरोप लगाया कि समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति का भी नाम इस मामले में सामने आया है। विपक्ष के सदस्य मंत्री के पति की गिरफ्तारी, मंत्री के इस्तीफे की मांग और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। काफी देर तक हंगामा और शोरगुल जारी रहने पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इधर सदन में मौजूद संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष पर सदन का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। वहीं राजद विधायक भाई बीरेन्द्र ने कहा कि सरकार इस मामले के दोषियों को बचाना चाहती है। विधान परिषद में भी राजद और कांग्रेस के सदस्य समाज कल्याण मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने मंजू वर्मा को बर्खास्त करने की मांग की है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मामले की उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच कराने को तैयार है। उन्होंने राजद और कांग्रेस से अदालत में अपील करने को कहा है। विपक्ष के हंगामे के कारण परिषद की कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई। समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने कहा है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके पति पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। श्रीमती वर्मा ने आज पटना में संवाददाताओं से कहा कि उनके पति के खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मीडिया में आई खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक को मामले की जांच कर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज समाप्त हो गया। दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 5 दिनों के संक्षिप्त सत्र के दौरान बिहार मध्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2018, दहेज प्रतिषेध निरसन विधेयक, बिहार विनियोग विधेयक 2018 समेत कुल 6 विधेयकों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामला, प्रदेश में सुखाड़ की स्थिति समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा और शोर शराबा कर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का सदन में जवाब दिया गया। इस सत्र के दौरान विधानसभा में सूखे को लेकर विशेष चर्चा का भी आयोजन किया गया। प्रदेश में विधायक अब विकास कार्यों पर सालाना 3 करोड़ रुपए तक व्यय कर सकेंगे। राज्य सरकार ने विधायक और विधान पार्षदों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की मौजूदा राशि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने का निर्णय किया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में आज इस संबंध में घोषणा की। श्री कुमार ने कहा कि विधानसभा कोटे से निर्वाचित विधान पार्षद और राज्यपाल द्वारा मनोनीत परिषद के सदस्य अब दो जिलों में विकास मद की राशि खर्च कर सकेंगे। ये बढ़ोतरी चालू वित्तीय वर्ष से ही लागू होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि सरकार संविधान में नागरिकों को दिए गए अभिव्यक्ति और निजता के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है। श्री प्रसाद ने राज्यसभा में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और अफवाहों के प्रसार को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि सोशल नेटवर्क मंचों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। पटना, सारण, नवादा, सीवान, जहानाबाद, भोजपुर और मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। पटना शहर में दोपहर बाद हुई मध्यम बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, शेखपुरा, रोहतास, पूर्वी चंपारण, शिवहर, जमुई, मुजफ्फरपुर, नालंदा, जहानाबाद और गया जिले में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सबसे अधिक 11 सेंटीमीटर बारिश शेखपुरा और किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में रिकॉर्ड की गई। जदयू ने बिहार में सूखे की चिंताजनक स्थिति पर केंद्र सरकार से मदद की मांग की है। राज्यसभा में पार्टी के सदस्य रामनाथ ठाकुर ने आज शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने केंद्र से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल भेजने की मांग की। इधर केंद्र सरकार ने बाढ़ और सूखाग्रस्त सभी राज्यों को तत्काल राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया है। लोकसभा में चर्चा के जवाब में गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सहायता राशि के मामले में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाढ़ और सूखे की स्थिति बनी हुई है। भोजपुर जिले में 2012 के जहरीली शराब कांड में स्थानीय अदालत अपना फैसला 28 जुलाई को सुनाएगी। आज इस मामले में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलील सुनी गई। गौरतलब है कि जहरीली शराब कांड में 21 लोगों की मौत हो गई थी। करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में आज पूरे देश में विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 19 वर्ष पहले सेना के वीर जवानों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से करगिल की चोटी पर फतह हासिल की थी। यह युद्ध 60 दिनों तक चला था। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली के इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को याद करते हुए कहा कि ऑपरेशन विजय के दौरान वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। सीतामढ़ी जिले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा करगिल विजय दिवस पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी रंजीत प्रसाद सिंह ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण में शिथिलता बरतने के मामले में शिवहर जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र अंतर्गत नीम घाट और टेढ़ी घाट क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के नौतन प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ लाया गया विश्वास प्रस्ताव गिर गया है। वैशाली जिले के सहदेई थाना क्षेत्र में सहरिया मध्य विद्यालय के पास एक घर में करंट लगने से स्कूल के छात्र की मौत हो गयी। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। पुलिस ने जांच के बाद 10 आरोपियों के खिलाफ स्थानीय अदालत ने आरोप पत्र दाखिल किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यौन शोषण कांड मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। हंगामे के बीच विधानमंडल का मानसून सत्र सम्पन्न, दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। और प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हुआ, पटना सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।